नमस्कार, एसके फूड ट्रेजर्स में आप लोगों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस शुभ अवसर पर बनाएंगे 15 अगस्त स्पेशल तिरंगा इडली, वो भी बिना अवन के और कटोरियों में। ये इंस्टेंट ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। हम इसमें किसी भी तरह के फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी ढोकला होगा। मेरी इसी तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए तिरंगा इडली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कप चावल और आधा कटोरी जिसमें मूंग दाल और उड़द दाल मिक्स की है मैंने, इन दोनों को खूब अच्छे से धोकर दो तीन बार और 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। और साथ में हम एक चम्मच मेथी दाना भी डाल देंगे। जब तक ये सॉफ्ट होंगे, जब तक हम अपने हरे रंग के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। दो हरी मिर्च, कुछ पुदीना और कुछ मोटा कटा हरा धनिया लिया है। हरे धनिया की जगह आप पालक भी ले सकते हैं। और इस चटनी को बनाकर एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब केसरिया रंग बनाने के लिए दो टमाटर की प्यूरी बनाकर उसके अंदर आधा कप बेसन डालकर 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसमें कुछ ऑयल भी डालेंगे एक चम्मच, ताकि ये चिकना पेस्ट बनकर तैयार हो। अब हम अपने चावल को और दाल को ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमने आधा कटोरी दही लेकर उसके अंदर हमने चावल और कुछ दाल डालकर फाइन पेस्ट बनाना है और एक बर्तन में निकालना है। इस तरह से बर्तन में निकालने के बाद जो बचे हुए चावल दाल है उसका पेस्ट भी बना लेंगे और उसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर मिलाएंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डालकर 1 टीस्पून इसमें इनो साल्ट या फिर बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब देखिए, जिस बर्तन में हमने ढोकला बनाना है या इडली बनानी है, उस बर्तन को अब हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल डालकर। इन कटोरियों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा ढोकला इसके अंदर चिपकेगा नहीं। अब ग्रीन चटनी के अंदर नमक डालकर 2-3 बड़े चम्मच व्हाइट वाला पेस्ट इसके अंदर मिलाएंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने डाल ही लिया था। अब इसमें थोड़ा सा इनो साल्ट डालकर फटाफट से हम कटोरियों में इक्वल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और साइड में हमने एक कढ़ाई में 3-4 कप पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है, उसमें एक स्टैंड रख के उसके ऊपर चारों कटोरियां रख के 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढककर रख दिया है। 4 मिनट के बाद हमने व्हाइट वाला पेस्ट इसके अंदर डाला है। व्हाइट वाले पेस्ट में हमने इनो और साल्ट पहले से ही डाल कर रखा हुआ है। इक्वल क्वांटिटी में डालकर फिर से ढक देंगे 4 मिनट के लिए। और 4 मिनट के बाद हम इसमें केसरिया वाला कलर डालेंगे और उसके अंदर भी हमने नमक और इनो साल्ट डाल रखा है पहले से ही। अब चारों कटोरियों में इसको डालकर हम इसको 15-20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक कर रखेंगे, ताकि ये अच्छे से पक सके और फ्लफी बनकर तैयार हो। बीच में अगर आपको लगे तो आप इसको ढक्कन उठाकर चेक कर सकते हैं चाकू की हेल्प से या टूथपिक की हेल्प से। और बीच में अगर आपका पानी सूख गया है तो साइड से पानी कढ़ाई में और डाल दें। ये देखिए, ढोकला तैयार है हमारा। अब गैस ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। आधा कप रोस्टेड मूंगफली के अंदर हमने आधा कटोरी पानी डाल लिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 नींबू
निचोड़कर दो हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा डालकर हमने फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चटनी हमारी तैयार है। अब इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे साइड में पैन रखकर। जब तक हम अपनी इडली जो कटोरियां ठंडी हो गई हैं उनमें से निकाल लेते हैं। ये कटोरियों में से चाकू की हेल्प से हमने चारों कटोरियों की इडली एक प्लेट में निकाल ली है। कटोरी पे ये बिल्कुल नहीं चिपकी है नीचे। आप देखें तीनों लेयर अच्छे से नज़र आ रही हैं। और इसको निकालने के बाद एक चाकू से काट कर दिखाएंगे कि ये कितनी फ्लफी बनी है और इनका कलर भी कितना प्यारा है। नेचुरल कलर है, कोई कलर तो हमने यूज किया ही नहीं है इसके अंदर। तीनों लेयर बहुत ही प्यारी लग रही हैं और ये स्पंजी भी बहुत है, देख रहे हैं ना आप। अब इनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए जो हमने साइड में पैन में तड़का तैयार किया था, 2-3 चम्मच ऑयल डालकर कुछ तिल और कुछ हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता डालकर ये तैयार किया है। अब ये इडली के ऊपर डालने के बाद बाकी बचा हुआ तड़का हमने चटनी में डाल दिया है। चटनी भी बहुत ही टेम्प्टिंग और मज़ेदार नज़र आ रही है। इस तरह से आप ये दोनों चीज़ बनाएं, ये मज़ेदार लगेगी। इसको आप नारियल की चटनी के साथ चाहें तो नारियल की चटनी के साथ खाएं, सांभर के साथ खाना चाहें तो सांभर के साथ खाएं। हमने तो ये मूंगफली की चटनी बनाई है जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हुई है। आप भी इसी तरह से चटनी और ये तिरंगा इडली ज़रूर बनाएं और अपने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन इसी के साथ करें। आपको फिर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें।